बहन मुसलमान हैं आप? आवाज हेलो, भी नहीं कोई आ रही है। आवाज आ पहले रही है? स्लो आ रही थी, पहले हाँ, स्लो आ रही थी अभी आ फिर रही बंद है। हो गई। हाँ हाँ अभी जी, अब आ परफेक्ट रही है। एकदम। ओके जी, मैं मुसलमान हूँ। आयतल कुर्सी सुना दे प्लीज। ओके, मैं यास हाँ गई आवाज, नहीं याद है शायद उन्होंने बोला है। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। मिसेस शेख जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मैं हैंड्स फ्री से हूँ, कनेक्टेड इसलिए नहीं आ रही है? हेलो, नहीं, आप अगर फोन से कनेक्टेड हैं तो आपने स्ट्रीम यार्ड को मिनिमाइज नहीं करना। जैसे ही आप मिनिमाइज ओके करेंगे आपकी आवाज ओके गायब हो फाइन, जाएगी। ओके, ओके ओके जी, ठीक है। नाउ आयतल कुर्सी सुना दे प्लीज। आयतुल कुर्सी तो मुझे याद नहीं है, बट अत्तया मुझे सुना सूरह दे। यासीन याद। ओके, अत्तयातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि वबरकातुहु वअस्सदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु गलत वरसूलुहु। हो गया, गलत हो गया, बीच में भी गलत हो खा गया, लिया। गलत हो गया। आपको सूरह यासीन ठीक है, याद एक है, आपने भी बार बोला, सुनाइए हाँ जी, सूरह यासीन याद है बिकॉज जरा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़ुर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लकद हक्कुल कौलु अला अक्सरुहुम फहुम ला बस ठीक हो युमिनून। गया, डन हो गया जी, डन हो गया, डन हो गया जी। ओके सॉरी, जिसको मैं थोड़ा जिसको सा इतनी भी नर्वस याद है हूँ। उसको याद है यार, यासिन जिसने इतनी भी याद कर ली बड़ी गेम है जी। बहन जी क्या कहना चाहती हैं आप? आज के टॉपिक की बात करेंगे या टॉपिक चेंज करेंगे? आपकी टॉपिक तो मुझे पता है कि आप रोज़ा और फ़र्ज़ पे शायद बात कर रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको शायद अराउंड 1 ईयर से फॉलो कर रही हूँ, ओके और आपको फॉलो करने से पहले भी जो सवाल आप उठाते हैं ना, वो सवाल मेरे मन में हमेशा से आते रहे हैं, जिस वजह से अगर आप अभी मैं यासीन आयतुल कुर्सी नहीं सुना पाई, वो वजह भी यही है कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ से फोकस मेरा हट रहा है और मैं फॉलो भी नहीं करना चाहती हूँ। बट फ्रॉम इशू फैमिलीज में जब होता है तो क्या हम दिखावे के लिए इसे फॉलो करें? बिकॉज आई एम, एज यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम मैरिड, मेरा प्रोफेशनल लेवल और ये सब चीज़ों अच्छा से। देखें, हाँ बड़ा मसले वाली बात है ये आपकी, और मैं आपकी बात हाँ को समझ सकता हूँ। देखिए हाँ सबसे जी पहले तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जब आपको इसके बारे में इल्म हो गया, पहले तो आप खुद छोड़े ना। जी जब आप खुद छोड़ेंगी तो फिर दिखावे के लिए करेंगी, ठीक है? मैं दिखावे के लिए ही कर रही हूँ, आप समझिए। अगर मैं कोई भी चीज़ को मतलब ओके मान नहीं पाती हूँ, जो भी चीज़, अगर ये मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी भी नहीं बता सकती, बट मैं इंडिया से बताना बोल भी रही नहीं, हूँ। बताना भी हाँ नहीं, जी बताना भी नहीं। अच्छा जी फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉब जी आपकी ये है कि छोटी छोटी बातें ऐसे बात करें जैसे आप परेशान हैं। जो बातें हैं आप समझती हैं कि आपके हस्बैंड समझ सकते हैं, जी उनको ऐसी जी छोटी छोटी बातें बताना शुरू करें, छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे, एंड प्ले अ लॉन्ग गेम। आपने जो उनके साथ, ओके हम देखें हम यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में 4-7 घंटे के लिए आते हैं, 6-7 घंटे के लिए, हम लॉन्ग गेम नहीं खेल सकते, ठीक है? लेकिन आपको जी जी लॉन्ग गेम खेलनी पड़ेगी। आप हाँ छोटे छोटे हाँ तरीके से लॉन्ग गेम करें उनके साथ, एंड स्पीक विद हर स्लो, स्पीक विद हिम स्लोली ग्रेजुअली, और छोटे छोटे सवाल, और इस तरीके से कि यार मुझे ये नहीं पता ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, यानी यू नो, बी वेरी जी जी वेरी प्रिसाइज, और ट्राई टू गेट हिम टू अ पॉइंट वेयर ही इज ओपन इनफ टू टॉक। और जब वो होए 4 महीने 6 महीने बाद, फिर उन्हें हमारा एक आधा चैनल भेज दें। ये फौरन नहीं भेजिएगा। जी एक्चुअली दे आर वेरी पर्टिकुलर्स, मतलब आप समझिए ना, मतलब मैं अगर इस हूँ तो वो लोग व्यस्त है, इस तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं, मतलब मेरे इन लॉज में सब कुछ, और बिकॉज ऑफ दिस मैं जो थोड़ा सा, मैं भी करती थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं करती थी, मैं 2 साल तक, बहुत पहले तक, आप सोच, मतलब मैं बहुत ही, जैसे होते हैं एक मुस्लिम गर्ल विथ हिजाब, विद प्रोफेशनल, विद फैमिली, सब कुछ, मतलब उस तरीके से मेंटेन हो रहा था, पर
पर क्वेश्चन तो मुझे बचपन से ही आते थे। अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी कि मैंने बहुत क्वेश्चन किए हैं फैमिली में, मेरे पेरेंट्स इनके से। पास फिर मेरे पेरेंट्स भी देखिए, मतलब अगर ऐसा हो अगर जाता है कि इस यू लेवल लीव पे द आप, हेलो। अगर आप इस लेवल पे पहले से थी तो आपको किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहिए थी। लेकिन अगर आप अब आपको फाइनली रियलाइज हो गया और आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो अपने हस्बैंड को फिक्स करें और उसके लिए साल लें, 6 महीने टू साल, स्लोली एंड ग्रेजुअली। फर्स्ट यू नीड टू गेट योर हस्बैंड आउट ऑफ इस्लाम, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गए ना तो आपकी जिंदगी आधी से ज्यादा तो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अपनी जिंदगी को आधे से ज्यादा हाँ, आसान बिकॉज ये करें। हिपोक्रेसी लगती है मुझे, आपको दिखावा करना। मुझे मतलब मुझे खुद से अंदर से हिपोक्रेसी लगती है कि आई एम नॉट दैट बट आई एम बीइंग दैट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स। मतलब मैं हाँ, हूँ लेकिन नहीं पर भी मैं दिखा कभी रही कभी हूँ। वो एक मजबूरी हाँ, होती है ना, मजबूरी है ना मजबूरी कभी कभी। जी जी मेरी मजबूरी बहुत। और मेरे फादर भी बहुत, ही इज PhD डॉक्टर बट स्टिल ही इज आई डोंट नो, वो बहुत ही पर्टिकुलर्स हैं हदीस और फादर को इस्लाम को छोड़ दें, लेके। अब हस्बैंड के घर में है, छोड़ें फादर को। अब नहीं, आप आपने बात कहा करें, ना अब शादी क्यों की, तो मैं उसका आपको सच बता रही कि ये अभी आप आए करना हैं था। हस्बैंड के और पास, अब आप हस्बैंड तक रहे। हस्बैंड को अगर बाहर निकाल गई तो आप और आपके बच्चे जो है ना वो सफलता में आ जाएंगे, जी जी क्वाइट फ्रेंकली। जी 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 सो जी सबसे जी अपने हाँ हस्बैंड के ऊपर काम करें, स्लो ग्रेजुअली। वो गुस्सा करे छोड़ दें, 2-3 हफ्ते बात ना करें, फिर छोटी सी कोई बात करें 2-3 हफ्ते इस टॉपिक पे बात ना करें। कोई छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि आपको पता नहीं चाहिए, स्टार्ट विद अ वेरी नहीं, बेसिक। वैसे देखिए अभी अभी रमजान में मेरा आपसे जुड़ने का ये, क्योंकि रमजान में छोटी हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते, चीजें सामने रोज रोज आ जाती है, जैसे कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू डिडंट प्रेड, व्हाई यू डिडंट, मतलब ये सा क्वेश्चन है जुम्मा के पहले। बहुत सारे जो अरकान होते हैं आप जानते ही हैं, आपको तो सब पता ही है, बट ये वो रमजान इज मोर सवालात वो डिफिकल्ट टू ज्यादा बी, हो जाते हैं। हाँ, वो अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता रमजान है। इज मोर बीइंग डिफिकल्ट। प्रोफेशनल, मैं खुद ही CA हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा अरे मतलब आपने मुझे इन्फॉर्मेशन तो फैमिली इतना जा में रही बताना है, है। मत करें। ओह सॉरी 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 आई एम सॉरी, ओके ओके आई फॉरगॉट इट, सॉरी। मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरा इतना टाइमिंग जाता है हर चीज को मैनेज करने में, स्टिल ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती है। और मैं समझती हूँ ये चीज के अचानक से होगा भी नहीं, और ये इतने पर्टिकुलर्स है और इतने लोग, 2 बिलियन पीपल्स आर फॉलोइंग दिस, तो पॉसिबल है ही नहीं। फर्स्ट मैं ऑफ ऑल टू ऑडिबल हूँ बिलियन ना। पीपल, एक सेकंड रुकते हैं, पॉज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बिलियन पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, आई दैट्स अ डोंट नो लाई, बट आई दैट्स अ हर्ड थिंग। दैट द इस्लाम, नो, दैट्स अ या लाई, दैट्स अ लाई, नंबर वन। नंबर पॉसिबिलिटी टू, या हो सकती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, दैट्स ए ओके एब्सोल्यूट टोटल लाई। ओके ओके ठीक इफ यू है, सेइंग आई ये अंडरस्टूड दैट। ओके अव्वल तो ये 1.8 बिलियन का फिगर एक बनता है, जिसके अंदर आप अहमदियों को भी डालते हैं, जिसके अंदर आप शियाओं को भी डालते हैं, जिसके अंदर बोरा आप बोरा कम्युनिटी को भी डालते सुनी, हैं, जिसके अंदर आप सूफियों को भी डालते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कुरान को हल्का सा भी फॉलो करने में सबको, मसलन बहारी कम्युनिटी को भी डाल दिया, बेहाई कम्युनिटी, जिसके अंदर आपने जिसको जिसको 19 छुरे मार के मारा गया था, क्या नाम है उसका, साहिल क्या नाम है उसका, वो रशद खलीफा। रशद खलीफा, रशद खलीफा जिसने एक और नबूवत का दावा किया, उसको भी आपने इसमें डाल दिया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपने सबको इसमें डाल के 1.8 बिलियन कर दिया। और जब हमारे सामने आते हैं, नहीं अहमदिया को तुमने मुसलमान क्यों कह दिया, शिया को मुसलमान कैसे कह दिया, शिया की चीज, रशद खलीफा को मारने वाले हमने तो उसको कत्ल किया दे था, आर उसको कैसे इंटरनली हिपोक्रेट, अपने आप को ही हिपोक्रेट बताते इनहेरेंटली, अलग अलग यार या इनहेरेंटली हिपोक्रेट, यस। अच्छा अब आप आ जाते हैं सुनियों के अंदर। अब आपका सुन्नी है तकरीबन 1 बिलियन, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उस 1 बिलियन में जितने भी एक्स मुस्लिम सुन्नी है, मुझे बताइए उनमें से कौन है जो अपने मुल्क में जाके अपना नाम के आगे से रिलीजन चेंज करा दे, कोई भी नहीं है। 23% पॉसिबिलिटी नहीं है अपोस्टेसी सर, रेट है, ट्राई भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पॉसिबल नहीं तो है। बेसिकली कितने हैं, 0.5, 0.6 बिलियन। अब फिर उसके अंदर हाँ आपस में इन लोगों के खिलाफ आ जाते हैं, देवबंदी जो है वो बरेलवियों को एक नॉन मुस्लिम कहते हैं, बरेलवी जी, देवबंदियों को नॉन बिल्कुल मुस्लिम कहते बिल्कुल, हैं, एक फिर दूसरे इनके को अपने ही ये मुंह आ जाते हैं। लोग नीचा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो 2 बिलियन, तो पहले फिगर ही गलत है, उसके बाद अगर बाकी लोगों को निकालोगे तो वैसे ही इस्लाम खत्म हो जाता है। तो बहन इस सारी चीज को छोड़ें, ये सिर्फ और सिर्फ जी नंबर है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये नंबर है हाथी के दांत दिखाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि ये हम बहुत पूरा बड़े ही हैं।
पूरा पूरा जो ये जो बेस है ना, वो बेस ही मुझे कल्ट लगता है। मुझे लगता है है? आजकल, मैं जब से मैं आपको फॉलो कर, आपको ही फॉलो किया है मैंने, मैंने साहिल सर को भी आपके ही स्ट्रीम यार्ड पे सुना है, बिकॉज आई लाइक द वे यू स्पीक। लाइक जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मुझे घुमा फिरा के ना खुद बोलना पसंद है, सुनना पसंद है। और साहिल सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मुझे लगता है उनके उनके स्ट्रीम यार्ड पे थोड़ा ज़्यादा लंबा लंबा सब कुछ चला जाता है। सॉरी साहिल सर, आप माइंड मत नहीं कीजिएगा, नहीं बट बिल्कुल नहीं, मैंने आप टेंशन ले, बहुत जी सारे लोग हैं जो मुझे बुरा कहते हैं और साहिल को अच्छा कहते हैं। दैट्स दैट्स ऑल पर्सपेक्टिव, पांचोंगलियां बराबर नहीं होती। या हाँ जी हाँ जी 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 तो कुछ लोगों को साहिल हाँ भाई का तरीका अच्छा लगता उनका है, वो मुझे लैंग्वेज बुरा सही कहते हैं। है। या हाँ जी 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 बिल्कुल, उनका लैंग्वेज सही है, लेकिन आप उस रूट पे ही जाते हैं जिस रूट पे लोगों को समझ आता है। आप प्यार से बोलेंगे किसी को समझ नहीं आता है। और मुसलमान में, अगर रिलीजन में मैं बात करूँ, तो यही चीज़ है, डरा के चीज़ें हो रही है। बोलते हैं सुन्नत फॉलो करते, सुन कितनी सुन्नत है जो ये लोग फॉलो करते हैं, जो अपनी बेटियों से फॉलो करवाते हैं, अपनी बहुओं से फॉलो करवाते हैं। वाई दे आर नॉट फॉलोइंग, वाई मैन्स आर नॉट फॉलोइंग एवरी सुन्नत, ये क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है। तुम कुछ भी करो, और ना ही कोई फीमेल खलीफा है, ना ही कोई फीमेल दुनिया में मैंने देखा है कि किसी नबी का नाम है, ना ही कोई फीमेल को इतनी इज्जत दी जाती है मुसलमानों में कि या यू आर कम इक्वल टू अस। तो फिर एक ये रिलीजन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक इंसान को नीचा कर देगा? इंसान तो इन सब ही इक्वल है ना, फिर अच्छा कैसे आप ऊपर हो बहन गए, आप नीचे हो गए? जी बहन देखो, जी ये तो साहिल जी, हम बताते ही जा रहे हैं स्ट्रीम में, तो जी जी इतना तो समझ बिल्कुल, में आप आ जो गया बता है रहे हैं सही आपको। बता रहे हैं, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। ये सारे क्वेश्चन मुझे कभी कभी तो लगता है ये मेरे पूछे क्वेश्चन है, बचपन से जो मैंने पूछे बहुत है सर, लेकिन मुझे कभी आंसर नहीं मिले। देखिए मैं इतना अभी इतनी बड़ी, मतलब कैपेबल हो चुकी हूँ, जो मैं खुद के थोड़े थोड़े फैसले ले सकती हूँ, वरना मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जैसे, वेयर आई कांट बी अ रेबल। आप लड़की हो, आप पढ़े हो, आप फैमिली में, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपका रेप्यूटेड वो है ये है, तो वो पूरा बर्डन सर पे लेके चल रही थी आज तक। देखिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इस हकीकत को समझ चुकी है कि ये कल्ट जी है और इसमें जी काफी इनजस्टिस है फीमेल के लिए, वुमेन के लिए। जी तो ये तो हो गई बात आपकी कि आप इससे निकल गई है। जो असल आपका मुद्दा है जो आप लेके आई थी कि जी भाई मैं जी अब कि आगे क्या फैमिली करूं, में, है हाँ जी जी यस, यही मेरा क्वेश्चन कि सर ना, कैसे आगे क्या सरवाइव करूं। करें, क्या कैसे क्या करें, इस तरीके को कैसे कंटिन्यू करें, वही हम मतलब बता रहे हैं, बीइंग अगर आप हिपोक्रेट ही थोड़ा सा रहे हैं। सुनेंगी, जी जी बोलिए, हाँ मैं सुन रही हूँ ओके, आप अगर थोड़ा सा सुनेंगी तो वही हम आपको जी बता रहे हैं। एडम साहब ने भी जी आपको बताया कि जी जी बताया फिलहाल आपने ये कोशिश करना है कि किसी तरीके से अगर आप अपने हस्बैंड को बाहर निकाल लेती है और वो उसके समझ में आ जाता है, तो आप एक जी जो हिपोक्रेसी वाली लाइफ है वो उससे बच जाएंगे। अब किस तरीके से जी करना है आपको, हाँ वो आपका आपने बताया हस्बैंड, शॉर्ट शॉर्ट। आपका हस्बैंड कितना ज्यादा दिमागी अपंग है या कितना ज्यादा रिलीजियस है? सर कह सकते हैं 100% 100% है, पढ़ा लिखा है? जी, या एजुकेटेड लाइक मी ओनली, या ओके गुड। आप क्या करिए, आप स्पेसिफिकली उनको एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो एडम साहब ने कहा है उसमें जी अपने आप को रखो, ठीक है? जैसे जी हम मोमिनों से जब बात करते हैं तो उसमें उनको उनकी माँ का, उनकी बहन का, उनकी बेटियों का हम एग्जाम्पल देते हैं, उसको उस सिचुएशन में लेके आते हैं हम, ठीक है? तो जी आप जब अपने शौहर से बात करेंगी, जैसे स्लेवरी का मामला है, जैसे कि आप पीडोफाइल वाला मामला है, बच्चियों से शादी करने वाला मामला है, या फिर जी औरतों पे लानत है, वो वाले मामले है, आप उसमें अपने आप को रखेंगी और जी फिर आप उनसे पूछेंगी कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही बात, आपको क्या लगता है अगर मेरे साथ कोई इस तरीके से करे तो आपको बर्दाश्त होगा नहीं होगा? ये इस तरीके से आप सवाल करें, अपने आप को रखें उसमें, अपनी बेटी को रखें उसमें जब आप अपने हस्बैंड से बात करेंगी, ताकि उसका जी दिमाग खुले थोड़ा। अगर उसका जी दिमाग सर खुल जाता है तो बेस्ट हो गया, फिर आप अपने घर से अलग होइए और शौहर बीवी जो है वो अच्छी वाली जिंदगी गुजारिए। अगर वो नहीं सुधरता, जी यानी वो मानने के लिए ही रेडी नहीं है,
फिर जी जी आपको कोई एक स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी है, आप एक जी प्रोफेशनल है, आप अपना जी खुद का कमा सकती है, अपनी खुद की जिंदगी अपने पैर पे आप जी सकती है, फिर जी आपने बिल्कुल वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या इस मुनाफिकत के साथ जिंदगी गुजारनी है। हालांकि मैंने सारी कोशिशें कर ली है अपने हस्बैंड को समझाने की, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक तो चीज ये है ओके कि वो नहीं मान रहा, लेकिन वो आपको मान रहा है कि ठीक है तुझे नहीं मानना है तो मत मान, तो भी आप उसके जी साथ जिंदगी गुजार सकती है। जी लेकिन वो इस बात के लिए भी राजी नहीं है कि भाई आपको अपने हिसाब से जीने दे इस मामले में, कि मुझे जी फॉलो जी नहीं करना है इस्लाम। अगर वो वैसा हाँ भी जी रेडी नहीं है, देन यू विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दैट बिग स्टेप, और आपको बाहर या निकलना पड़ेगा और अपनी जिंदगी खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये जो सोल्यूशन है अभी वो हमने आपको दे दिया, इसके अलावा जी दूसरा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। जी नहीं है वो, मैं भी समझ रही हूँ, बिल्कुल साहिल भाई नहीं ने आपको कहा, कहूंगी। यही मैंने कहा है, इसके ऊपर अमल जी जी करें, और आपने भी ओके कहा। व्हेन द राइट टाइम कम्स फिर उनको लेके आइएगा हमारे पास, हम उनके साथ बात करेंगे। लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, 6-8 महीने उनके साथ काम करें, प्ले अ लॉन्ग गेम, जी श्योर, और ठीक है मैं बाज अपना दफा यू बेस्ट हैव टू प्ले द दूंगी, लॉन्ग गेम। बिल्कुल जी जी दोस्तों, बहन के लिए, बड़े दोस्तों ने आपको ऑलरेडी फूल भेजे हैं, लेकिन बहन के लिए फूल भेजे हैं दोस्तों ढेर सारे। मैं कहता हूँ कि लाइव चैट में सिर्फ फूल ही फूल नजर आने चाहिए मुझे, बहुत बेहतरीन, और मजबूरी में भी है इस वक्त, लेकिन ऑब्वियसली शी रियलाइज एंड केम आउट ऑफ इस्लाम, एंड दैट्स दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बिगिन विद। बहुत जबरदस्त है, थैंक यू बहन। ये देखें आपको सारे लोगों ने, देखो फूलों से लाइव चैट भर दी उन्होंने, थैंक यू एंड सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप ये कीजिए, और फिर जी बहुत जल्द आप देखिएगा कि वो भी, अगर उनके पास दिमाग है, पढ़े लिखे हैं, तो मैं नहीं जी समझता कि वो इसके अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे। मगर आपको बहुत लॉन्ग गेम खेलनी पड़ेगी और स्लो खेलनी पड़ेगी, स्लो स्लो एंड खेलनी लॉन्ग, पड़ेगी जी। रेफरेंस हाँ इसके साथ स्लो एंड एक लॉन्ग। क्वेश्चन से बहुत हीट हुआ था, इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि अब स्लोली बताना पड़ेगा जी। हाँ बहुत ज्यादा हिट नहीं करना उन्हें, स्लो एंड लॉन्ग। ओके जी, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी अपना अलॉट, बहुत बहुत थैंक यू, ख्याल थैंक यू रखिएगा, साहिल थैंक सर, थैंक यू, यू सो अल्लाह मच, हाफिज, बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। आदत रहती है यार साहिल यार, वैसे फीमेल्स के लिए बहुत मसला होता है, स्पेशली जो मैरिड बहुत होती बहुत मसला है, बट फॉर हर द बेस्ट पार्ट इज के वो पढ़ी लिखी है और पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करती है, एंड उस प्रोफेशन में रहते हुए वो अपनी खुद की जिंदगी भी बहुत अच्छे से गुजार सकती है, बिना किसी यानी सपोर्ट सिस्टम के, यानी उनको कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनका घर टूटे ऑब्वियसली, तो अगर वो अपने हाँ मियाँ हम मियाँ भी भाई नहीं ले, दैट चाहते, विल बी द ऑसम थिंग। या